हेलो दोस्तों, आज मैंने सूखे काले चने बनाए हैं। ये व्रत वाले चने हैं, जो हम कंजक वाले चने हैं, जो हम कंजक में बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कटोरी जो चने थे वो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखे थे। मैंने उसको बॉईल कर लिया है, 3 से 4 सीटी लगवा ली है। देखो इतना अच्छे से गल गए हैं। अब मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें सूखा धनिया लिया है, एक चम्मच के करीब। 1 चम्मच मैंने इसमें छोले का मसाला लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर मैं इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेंगे मसालों को। तो देखिए कितने अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। तो एक तरफ हम कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम तेल या घी कुछ भी हम गर्म गर्म, मैंने इसमें घी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। घी को अच्छे से गर्म कर देंगे। इसमें थोड़ी सी हम हींग डालेंगे, तो आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें साबुत जीरा डाला है। उसको अच्छे से भून लेंगे, साथ ही में जो हमने मसाला तैयार करके रखा है वो उसमें डाल देंगे। उसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जो ऑयल है ऊपर आ गया, कितने अच्छे से भून गया जो हमने मसाले सूखे मसाले लिए थे। अब जो हमने चने उबाले थे वो इसमें डाल देंगे। इसमें हमें चने का जो सारा पानी, पूरा सारा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है चने का। थोड़ा सा इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे, कस्तूरी मेथी डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसको जब तक पकाना है तब तक कि जो पानी है अच्छे से सूख ना जाए। इसमें थोड़ी सी हम काली मिर्च डाल देंगे। इसको जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसका जो पानी है अच्छे से सूख ना जाए। मैंने अदरक था जो मैंने 2-4 स्लाइस में मैंने कट किया है, और 2 ही हरी मिर्च ली है उसको मैंने लंबा लंबा कट करके डाला है। जीरा दे के डाला है मैंने हरी मिर्चों को, तो कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। ये देखिए हमारा जो पानी है धीरे धीरे सूखने लग गया है। एक एक तरफ हम कड़छी लेंगे या पैन लेंगे, कुछ भी, थोड़ा सा घी डालेंगे, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे, थोड़े से हल्दी डाली है मैंने इसमें, और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें देगी मिर्च डाली है। इसको हम छोलों के ऊपर डाल देंगे तड़के को, अच्छे से मिक्स कर देंगे। कितना बढ़िया कलर आया छोलों का। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं इसको हल्के से लिक्विड में। ये देखिए पानी एकदम सूख गया है। अब इसको हम बाउल में सर्व कर लेते हैं। कितने अच्छे छोले बनकर तैयार हुए हमारे। आप इसको पूरी के साथ या रोटी के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं आप इसको। अब इसके ऊपर से हम हर धनिया की हरी पत्तियाँ डालेंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।